हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम सुप्रीत धमीजा है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस जब से आपका रिस्पॉन्स शीट आया है एंड दैट इज़ व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ पोलिटिकल साइंस एग्जाम जो कि सिक्स मार्च को कंडक्ट हुआ था दो शिफ्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैं हर साल आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अब पॉलिटिकल साइंस का नॉर्मलाइज रिज़ल्ट आता है क्योंकि दो शिफ्ट्स हैं दो अलग पेपर्स हैं 200 सौ क्वेश्चन हैं जिनका कोई बैकग्राउंड क्लियर नहीं है पेपर वन बिल्कुल डिफरेंट है तो रिज़ल्ट एक सिंगल परसेंटेज में ऐसे नहीं आएगा जैसे पहले आता था आज से दो ढाई साल पहले अब नॉर्मलाइज रिजल्ट्स कैलकुलेट करने का देखो एक ही तरीका होता है कि आप एक अंदाज़ा लगा लो कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए हैं है ना उसी के एक बेसिस पर हम जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपके कितने क्वेश्चन एवरेज सही हैं और उस हिसाब से आपका क्या स्कोर बन रहा है एक्सपेक्टेडली जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने 32 प्लस स्कोर रखा है पेपर वन में और 74, 75 तक पेपर टू में खींचा है तो आप एक बहुत सेफ़ पोजीशन पर होते हो कि आपको उम्मीद रहती है कि चलो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग रिजल्ट में आपको अपने नाम के आगे जे लिखा हुआ दिखेगा ठीक है तो ये एक प्रडिक्शन होता है बाकी मैं सारी कैटेगरीज के लिए एक एक करके बताती हूँ जनरल के लिए अगर आपके अभी 210 से 212 नंबर बन रहे हैं ना इस अटेम्प्ट में दोनों पेपर में तो के तो आप आपको एक सेफ़ कैंडिडेट मान सकते हो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो बाकी तो फाइनल परसेंटाइल रिजल्ट पर पता चलता है ई डब्ल्यू एस से टू के बीच में अगर रेंज कर रहे हैं तो सेफ साइड लास्ट बेसिस के रिजल्ट पे और ओ बी सी टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड टू के बीच में एस सी वन एटी टू वन एटी टू के बीच में और एस टी सेक्शन के लिए वन सेवेंटी सिक्स टू वन एटी के बीच में ये सारे वो एक्सपेक्टेड जर्नीज़ uh, हैं जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ पिछले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या आता है हमारे पास उनके मार्क्स जैसे रहे होते हैं उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर पाते कि एक एवरेज पर्सन टायल इतनी ही निकली होगी इतने मार्क्स पर तभी उन लोगों का जेर एफ हुआ है तो ये तो सारी कैटेगरी के लिए का स्कोर है और ये नहीं है कि exactly एग्जैक्टली ऐसा ही होगा आप डीमोटिवेट हो जाओ कि नहीं मेरे तो इसमें दो नंबर कम हो रहे हैं या आप बहुत खुशी मना लो कि मेरे तो दो आ रहे मेरा तो हो ही क्या चांसेस होते हैं और चांसेस नहीं भी होते हैं इस कट ऑफ में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने जो सोचा जैसे सोचा एग्जैक्टली exactly वैसे नहीं होगा ठीक है तो ये तो हो गया हमारा वो सेफ जर्नी जो जे के लिए है बाकी ऑब्वियसली मैं आपको सिमिलर रिजल्ट सारा का सारा नेट कैटेगरी के लिए भी एक्सप्लेन कर देती हूँ सॉरी uh, मतलब क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जिनका नेट क्वालिफ़ाई हो रहा है उनके लिए भी बताती हूँ तो अब बात करते हैं जिन लोगों का सिर्फ नेट के लिए अपना रिज़ल्ट एनालाइज़ करना चाहते हैं तो गैस नेट के लिए अगर आप लोगों ने 184 के आसपास अपना मिनिमम स्कोर बनाया हुआ था इस रिज़ल्ट में तो 184 186 वाले अपने आप को एक बारी के लिए ज्यूम करके चलिए कि यू हैव अ गुड चांस दैट आप लोगों का नेट तो निकल ही जाएगा एंड ई डब्ल्यू एस कैटेगरी वन सेवेंटी सिक्स से वन एट्टी तक, तक अगर वन सेवेंटी एट तक अगर मार्क्स स्कोर कर पा रही है दैन अगेन यू हैव अ गुड चांस कि आपका नेट हो सकता है ओबीसी कैटेगरी 174 से 176 के बीच में एंड देन एस सी वन टू 160 मार्क्स हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि आप नेट तो निकाल ही लेंगे एंड एस uh, के लिए 156 टू 158 के बीच में कहीं पर अगर स्कोर बनेगा तो नेट के चांसेस हाई हो जाएंगे तो ये uh, कुछ प्रिडिक्टेड कट ऑफ्स हैं जो मेरी आप लोगों के लिए uh, एक एनालिसिस था बिकॉज मैं लास्ट फोर ईयर्स से आपको कंटिन्यू एक्स क्लासेस और तैयारी कराती आ रही उस पेपर की हमारी ही क्लास से लास्ट रिज़ल्ट में ऑल इंडिया रैंक वन गया लगभग बीस से बाईस जे हमारे यहाँ से हमेशा स्कोर रहता है सो so, होपफुली इस बारे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है उसी के बेसिस पर मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ का अंदाज़ा दिया था अफकोर्स इसमें बहुत सारी प्लस माइनस हो सकती हैं इसको आप मान के चलिए कि कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निराश हो जाए आप बिल्कुल खुश हो जाए एनी कैन हैपन फाइनल रिज़ल्ट का वेट करिए आई होप आप लोगों को तो इससे थोड़ा सा मदद हुई होगी थोड़ा सा बेटर फील हुआ होगा बाकी अगर आप लोगों को मेरा फुल बैच ज्वाइन करना है अपने जून अटेम्प्ट के लिए तो तीन महीने का कोर्स और कोई नहीं करा रहा है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको जेआरएफ के लिए थ्री मंथ का कोई कोर्स नहीं करा रहा जल्दी से ज्वाइन कर लो बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है और ज्यादा डिले करोगे तो क्लासेस रह जाएंगी ट्वेंटी ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइव यूज़ करना मत भूलेगा फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिल रहा है विच हैपन्स वेरी रेयर तो आ जाओ फटाफट से न्यू कोर्स में थैंक यू वेरी मच